व्यंग करने के लिए ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी पड़ती, छोटी छोटी एक पंक्ति में आपके बीच में व्यंग करता हूँ, बहुत बड़ा व्यंग है। एक घटना आपके बीच में रखता हूँ, हमारे देश की धर्मनिरपेक्ष राजनीति कहां से चली और कहां तक पहुंच गई। एक घटना घटी गोधरा में, एक ट्रेन जली, 59 हिंदू तीर्थयात्री जिंदा जल के राख हो गए। देश के किसी धर्मनिरपेक्ष नेता ने इस घटना के विरोध में एक शब्द नहीं बोला। क्यों नहीं बोला ये जानकारी आज तक किसी के पास में नहीं है। ये खाली मेरे पास में बात, और मेरे पास में इसलिए आपको बता रहा हूं, धर्मनिरपेक्ष राजनीति पर मेरा दावा है कोई इससे बड़ा व्यंग नहीं हो सकता जो मैं आपके बीच में रख रहा हूं। 59 हिंदू तीर्थयात्री जिंदा जल के राख हो गए। देश के किसी धर्मनिरपेक्ष नेता ने इस घटना के विरोध में एक शब्द नहीं बोला। इसलिए नहीं बोला क्योंकि जल के मरने वाले तमाम तीर्थयात्री हिंदू थे और हिंदू परंपरा के अनुसार जलाने का रिवाज होता है। मरने के बाद नहीं जलाया, जिंदा जलाया, लेकिन उनकी धार्मिक मान्यता परंपरा के अनुसार काम हुआ। इसलिए देश के किसी धर्मनिरपेक्ष नेता ने इस घटना के विरोध में एक शब्द नहीं बोला। लेकिन इसके बाद जब गुजरात का वातावरण बिगड़ा और मुसलमान भाइयों को जिंदा जलाया जाने लगा तो देश के तमाम धर्मनिरपेक्ष नेताओं ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिए। हाँ बोलो, मुसलमान भाइयों को जिंदा जला रहे हैं, मुसलमान भाइयों को जिंदा जला रहे हैं। उनकी तकलीफ ये नहीं थी कि मुसलमान भाइयों को मार रहे हैं। जोरदार तालियां शांति के लिए, वाह। उनकी तकलीफ ये थी कि यार इनमें जलाने का नहीं गाड़ने का रिवाज होता है, आपको मारना है तो भले ही मारो, जलाओ मत, गाड़ो। ये देश की धर्म पता नहीं चल रहा है। इसके बाद जब गुजरात का सारा वातावरण बिगड़ा, कई बार कुमार भाई संकट इसलिए पैदा हो जाते हैं कि आदमी को जहां होना चाहिए वहां होता नहीं, तब भी संकट पैदा हो जाता है। इसके बाद जब गुजरात का वातावरण बिगड़ा तो देश के तमाम धर्मनिरपेक्ष नेताओं ने पूरे देश में हाहाकार मचा दी। बोले गुजरात से नरेंद्र मोदी को हटाओ, गुजरात से नरेंद्र मोदी को हटाओ। मेरा भी दिमाग खराब हुआ, मैंने तुरंत हटाओ, कोई जरूरत नहीं इस आदमी की गुजरात में, इसको दिल्ली में लगाओ। अब गुजरात में हो गया, अब इस आदमी की जरूरत वहां पड़ रही। और ये टाइम पे इसको वहां लगा देते तो आज इनको ये दिन नहीं देखना पड़ता। संकट इसलिए भी पैदा हो जाता है साहब। और एक समस्या और एक समाधान, सारा वातावरण सारा घटनाक्रम जब ये निपटा तो ये सब कुछ निपटने के बाद देश के तमाम धर्मनिरपेक्ष नेताओं ने, आपको याद होगा, याद दिला रहा हूं, ये सारा घटनाक्रम निपटा इसके बाद देश के तमाम धर्मनिरपेक्ष नेताओं ने माननीय सोनिया गांधी के नेतृत्व में राजघाट पर धरना दिया। काहे के लिए? देश की धर्मनिरपेक्षता को मजबूत बनाने के लिए। अगले दिन मैंने उनसे संपर्क किया। समाधान देखना साहब, देश की बहुत बड़ी समस्या का समाधान बता रहा हूँ। अगले दिन मैंने सोनिया जी से संपर्क किया, क्यों जी धर्म निरपेक्षता मजबूत हुई? बोले नहीं हुई। मैंने कहा मैं बताऊं कैसे होगी? मैंने मेरे पास तो समाधान है। बोले बताओ। मैंने कहा देखो जी, राजघाट पे धरना देने से काम नहीं चलेगा। वो बोली फिर कैसे चलेगा? मैंने कहा जिस दिन देश के तमाम धर्मनिरपेक्ष नेता राजघाट के अंदर समाधि ले लेंगे उस दिन देश की धर्मनिरपेक्षता। वाह, वंडरफुल।